गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? वापस मैं आप किचन में आ गई हूँ। मैंने सोचा अपना वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। नहा वहा के सारा काम हो गया, फ्री हो गई और किचन में आके बस आंटी अभी आपको दिखाती हूँ। पीछे देख लो वो बर्तन रखे हुए सारे। आंटी आके बर्तन साफ़ करके चली गई हैं और मैं बस ये गैस वैस साफ़ कर लेती हूँ। इसको सबको क्लीन करके बर्तनों को सबको लगा के और मैं नहा ली हूँ, तो मुझे एक बार चाय पीने की इच्छा हो रही है। फिर मैं चाय पी लेती हूँ। उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ मटर मलाई पनीर की रेसिपी शेयर करूँगी और अपना लंच तैयार कर लूँगी। पट्टी वट्टी सब साफ करके अपनी चाय बना लेती हूँ और बाहर चल रही है आज बहुत ठंडी हवा। देखिए दिखाती हूँ आप लोगों को, और ये बीन चेंज की आवाज़ आ रही है आपको, कितनी अच्छी लग रही है। बहुत तेज़ हवा चल रही है, एकदम ठंडी, और इससे वापस से सर्दी हो रही है। बाहर तक एकदम जोरदार हवा चल रही है। ये लूसी भी आ गया बाहर। चलिए देखते हैं अपनी चाय को बन गई। बहुत तेज़ हवा है, गेट बंद कर लेते हैं। आ गई हूँ बालकनी में से, देखते हैं अपनी चाय को बनी या नहीं। किचन में चाय छान लेते हैं। और आज वापस से सर्दी हो गई है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी हवा, और धूप भी नहीं निकली। लूसी कहाँ जा रहा है? लूसी, और लूसी खुद से जो स्लाइडिंग वाला गेट है, जाली वाला, उसको खुद से खोलना सीख गया। उसको खोलता है और बाहर निकल जाता है। अभी इसको देख के आती हूँ। लूसी आओ अंदर। और ये बातों बातों में हमारी चाय दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए हमारी चाय कितनी अच्छी बन के हुई है तैयार। गैस को बंद करके चाय छानते हैं। चलो चाय पीते हैं बैठ करके। चाय पी लेती हूँ। और बहुत सारी चाय बन गई, ऊपर तक कप भर के, इतनी सारी चाय। मनु से पूछा, मन का तू लेगा? वो भी नहीं लेगा। सारी चाय, और चाय पीने के बाद में अपना लंच तैयार कर लेती हूँ, इसलिए मैं किचन में ही बैठ गई हूँ। बैठ के अब बना लेते हैं हम अपनी मलाई मटर पनीर की बढ़िया सी सब्जी, जो कि आपको देखने और खाने में इतनी टेस्टी लगेगी कि रेस्टोरेंट की खाना भूल जाओगे। और उसकी तैयारी कर ली मैंने। यहाँ पे गैस ऑन कर दी, उस पर एक कढ़ाई रख दी और उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिया। और यहाँ मैंने ले लिया, ये देखिए, एक तेज़पत्ता और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, दो लौंग, चार पांच काली मिर्च, और ये है साई जीरा। तो ये सबको हम इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा तड़कने देंगे। और यहाँ ये मैंने ले लिए हैं दो प्याज कट करके, एक हरी मिर्ची को, पांच छह लहसुन की कली, एक इंच अदरक का टुकड़ा, और ये दो टमाटर। और ये लूसी पर बीच बीच में देखिए कितनी बातें करता है, बोलने लग जाता है। ये सब ले लिया। अब ये हमारा जीरा चटक गया। हमने यहाँ पर साई जीरा लिया है, आप सिंपल भी ले सकते हो। साई जीरे की खुशबू बहुत अच्छी आती है, इस तरह की जो वाइट ग्रेवी या क्रीमी सी ग्रेवी वाली सब्जियाँ होती हैं ना, उसमें बहुत टेस्टी लगती है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो प्याज है इसको डाल देते हैं, और साथ में ही जो लहसुन और अदरक रखा है इसको भी डाल देते हैं, और ये टमाटर काट के रख लिए, इनको हम थोड़ी देर में डालेंगे।
इनको अच्छे से भूंज लेते हैं चलाते हुए, गैस का फ्लेम तेज कर लेते हैं। प्याज को मैंने रफली चॉप करके लिया है क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है बाद में, तो इसलिए मैंने बस इसको मोटा मोटा काट लिया और इसको ट्रांसपेरेंट होने तक हमें भूनना है। हरी प्याज भूंज रही है। इसके साथ साथ ही मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 5 से 6 काजू, ये भी डाल देते हैं, इससे हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी लगेगी, टेस्ट भी आएगा। इनको भी साथ साथ में भून लेते हैं। इसको ट्रांसपेरेंट होने देते हैं। और ये देखिए जो हमारी प्याज है वो हल्की हल्की ट्रांसपेरेंट होने लगी है। तो अब इसी टाइम पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो ये टमाटर कट करके रखे हैं इनको भी इसमें ऐड कर देते हैं। और बस इनको अच्छे से इसमें भून लेते हैं। टमाटर को भी मैंने ना रफली चॉप कर लिया है, उसको कोई बहुत बारीक नहीं काटा क्योंकि मुझे तो इसका पेस्ट बनाना है। और ये टमाटरों को बस गलने देते हैं और इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा नमक, जिससे कि हमारे जो टमाटर हैं वो जल्दी से गल जाएं। नमक डालने के बाद हम इसको ढक करके ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए ना, 2 मिनट, तो ये अच्छे से पक जाएंगे, ढक के पका लेते हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं कि टमाटर गला या नहीं। तो देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं एकदम। अब बस हम गैस को यहाँ बंद कर देंगे, 1 मिनट और उनको चलाऊंगी और गैस को बंद करके इसको ठंडा होने देंगे। और जब तक मैंने यहाँ पर रख दिए ये मटर को बॉईल होने के लिए, मटर हमारी बॉईल हो जाती है। और ये हमारा जो कढ़ाई में मैंने जो मसाला था उसको मिक्सी के एक जार में ट्रांसफ़र कर लिया, इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अभी आप देख रहे हो कितना धुआं निकल रहा है गर्म है, और अगर हम इसको गर्म गर्म चला देंगे तो क्या होगा कि जो है ना मिक्सी में हमारे ऊपर भी आ सकता है, एकदम से मिक्सी भी ख़राब हो सकती है। और अब इसको मैंने जो ऑयल बचा है इसको हल्का सा गर्म कर लिया और यहाँ रखी है मैंने मेथी को कट करके, और साथ साथ में पनीर को भी क्यूब्स में कट कर लिया है। तो ये मेथी को हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से धोया, धो के मैंने बारीक बारीक काट लिया। अभी जो ऑयल बचा है ना कढ़ाई में, इसी में डाल करके इसको हल्का सा मैं भूंज लूँगी। इससे क्या होगा कि एक तो जो हमारी मेथी में कड़वाहट होती है ना थोड़ी सी, वो भी निकल जाएगी और ये भून जाएगी अच्छे से। और 1 मिनट हो गया और ये मेथी हमारी देखिए अच्छे से भूंज गई है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और अपनी ग्रेवी को पीस के तैयार कर लेते हैं। मैंने सेम कढ़ाई ले ली, उसमें से मेथी को निकाल के और उसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया थोड़ा सा, और ये जो प्याज और टमाटर थे उसका पेस्ट बना के मिक्सी में तैयार कर लिया। अब इसको इसमें डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। इसको हम लगातार चलाते हुए भूंजेंगे। अब इसमें जो हमारे बेसिक मसाले हैं वो ऐड कर देते हैं, लाल मिर्ची 1/2 टीस्पून, हल्दी बहुत थोड़ी सी, धनिया पाउडर 1 से 2 टीस्पून, थोड़ी सी लाल मिर्ची और डालते हैं, तो थोड़ी सी हल्की चटपटी चाहिए ज़्यादा नहीं। सबको मिक्स कर देते हैं। देखिए ग्रेवी से जो ऑयल है वो सेपरेट होने लगा है, आप किनारों पे देख सकते हो। तो हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब जो जिस मिक्सी के जार में हमने इसको चलाया था उसमें थोड़ा सा रह गया था मसाला, उसमें हल्का सा पानी डाल के ले लेती हूँ। हाँ
नमक हमने मसाले में पहले से ही डाल रखा है, अब जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना डाल लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब उसको क्या करते हैं, अब इसको हम एक से दो मिनट भूनने देते हैं मसाले को, फिर देखते हैं, चेक कर लेते हैं अपनी ग्रेवी को। एक मिनट हो चुका है, ये देखिए जितना भी ऑयल है वो हमारी ग्रेवी से अलग सेपरेट हो गया, मतलब हमारी जो ग्रेवी है वो भूंज के अच्छे से तैयार हो चुकी है। अभी जो हमने मेथी भूंज के रखी थी ये डाल देते हैं इसमें। जो इस सब्जी की मेन जान है वो है मेथी, इससे टेस्ट भी आएगा और एक बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर ऐड होगा। मेथी डालने के बाद इसको थोड़ा सा भूंज लेते हैं। यहाँ हमारी मेथी भी अच्छे से भूंज ली थी हमने पहले ही, देखिए मेथी डालते ही देखो कितनी अच्छी लग रही है मेथी। आप जैसे आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, और अगर आपके बच्चे नहीं खाते आपको थोड़ी कम पसंद तो आप कम भी ले सकते हैं। मैंने यह ना तो बहुत ज़्यादा लिए ना बहुत कम लिए, और बस अब मेथी हमारी भूंज गई। यहाँ मैंने ले लिए 3 से 4 टेबल स्पून ये घर की मलाई, आप घर वाली मलाई ले सकते हैं, फैट की, अमूल क्रीम, कुछ भी ले सकते हैं। इसको भी इसमें डाल देते हैं। इसको हम यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सब्जी का नाम ही है मेथी मटर मलाई पनीर की सब्जी, तो इसको हम ज़रूर डालेंगे, इसको स्किप नहीं करेंगे। और इसको डालने के बाद ही जो हमारी सब्जी की जो ग्रेवी का एक अच्छा सा जो क्रीमी वाइट कलर की ग्रेवी होती है जो कलर आता है उसको डालने के बाद ही आएगा। देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर अब इसको थोड़ा सा भून लेते हैं क्रीम को भी, और इसके साथ में ही हम क्या करेंगे यहाँ पे बहुत थोड़ी सी मैंने चीनी ले ली है, ये देखिए आधा टी स्पून से भी कम नहीं, तो इसको डाल देते हैं। हल्का सा जो मीठा इसमें फ्लेवर होना चाहिए, तो हमारी मटर में थोड़ी सी मिठास होती है और बहुत थोड़ी सी हम चीनी डाल देंगे, तो इससे जो हमारी ग्रेवी है ना उसमें हल्की हल्की सी मिठास आएगी। ये खट्टे के लिए तो हमने टमाटर यूज किए हैं। और अब इसको थोड़ा सा भूनने देते हैं। अब यहाँ ये जो मैंने मटर बॉईल करके रखे हैं ये भी ऐड कर देती हूँ इसमें, साथ साथ में ये जो पनीर कट करके रखा है क्यूब में ये भी ऐड कर देती हूँ। अब इसको अच्छे से जो पनीर और मटर डाली इनको मसाले के साथ भूनने देते हैं जो हमारी ग्रेवी है उसके साथ। और ग्रेवी में हमने नमक डाला था तो यहाँ मैं थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। देखिए मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो क्रीम वाली कटोरी है उसी में दूध ले लिया है, आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा, छोटी आधा कटोरी। अब इसको डाल देंगे, आप चाहें तो इसके प्लेस पे पानी डाल सकते हैं, लेकिन जो दूध डालने से ना जो हमारी मेथी मटर मलाई पनीर है वो दिखने में भी अच्छी लगेगी, उसकी ग्रेवी, और खाने में भी बहुत टेस्टी और अच्छी लगेगी और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल की। देखिए आया ना कलर एकदम मस्त। दूध को थोड़ा सा चलाएंगे, ग्रेवी में एक उबाल आने देते हैं। अब यहाँ पर मैं बहुत थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ढक के एक मिनट के लिए रख देती हूँ, चेक कर लेते हैं सब्जी को। एक मिनट हो गया, ये देखिए हमारी सब्जी बनके हो गई तैयार। और अब इसमें हम डाल देते हैं बहुत थोड़ा सा गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा, मिक्स कर लेते हैं। उसको दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कि हमारी सब्जी कैसी लग रही है। अभी देखने में लग रही है आपको अच्छी, ये देखिए इसको हम नान, लच्छा पराठा,
सिंपल चपाती किसी के भी साथ इसको खाएंगे बहुत टेस्टी लगेगी। और ये देखिए गाइस, मैंने इसको सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया सब्जी को, और इसको जो अमूल क्रीम है उससे मैंने ऊपर से गार्निश कर दिया। और ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है देखने में, बढ़िया। अब इसको हम लंच में खाएंगे। बस अपनी रोटियां सेक लेते हैं गरम गरम, और मन्नू को भी दे देती हूँ। और ये मैंने सुबह मक्खन निकाला था, तो वाइट वाला जो बटर है वो मन्नू को बहुत पसंद है, तो गरम गरम रोटियों पर रख के और बस लगा देती हूँ यहाँ पे उसका खाना। और इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।